सेना और सैनिक का जब नाम आता है तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि ये सेना के जो जवान हैं ये देश की सुरक्षा करते हैं सीमाओं पे, तब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। और ये हमारे बगल में जो ये तीन वर्दियां हैं कहीं ना कहीं ये सेना की है और ये सीमा सुरक्षा बल की जवान भी हैं, ये इसी विद्यालय की पढ़ी लिखी हैं। हम असलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूपी अब तक। हम पहुंचे महाराजगंज जिले के सिसवा बाजार में। सिसवा बाजार में एक कन्या इंटर कॉलेज स्थित है, प्रेमलाल सिंघानिया कन्या इंटर कॉलेज। ये जो बच्चियां हैं तीन, इसमें से दो बच्चियां इसी विद्यालय से पढ़ी हैं और आज जब इनकी नियुक्ति SSB यानी सीमा सुरक्षा बल में हुई है तो आज इन्हें सम्मान करने के लिए, सम्मान देने के लिए उम्मीद सोशल फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है जहां इन्हें सम्मानित किया गया। हम इनसे बात करेंगे किस तरह ये सीमा सुरक्षा बल में पहुंची, क्या क्या परेशानियां हुई। क्या नाम है आपका और कैसे पहुंची आप वहां तक? मेरा नाम नीतू जायसवाल है। मैं पहले तैयारी करती थी, कंपटीशन बहुत लड़ी, कई फॉर्म डाले, कई नंबर से गिरे, लेकिन अपनी हिम्मत बनाए रखी। मैंने सोचा कि तैयारी किए पढ़े हैं तो अपना व्यर्थ नहीं जाने देंगे, अपना तैयारी हम जारी रखेंगे। घर के लोग से ताना सुनना, समय हो गया, शादी करो, कितना फॉर्म डालोगी, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत को बनाए रखा। ये फॉर्म तो मैं घर से छिपके डाली थी लेकिन किस्मत सुन लिया, क्योंकि मेहनत कहीं जाती नहीं है, मेहनत हमेशा कामयाब होती है, तो मेरी मेहनत रंग लाई और अच्छे नंबर हुए। लास्ट में बहुत सारे एग्जाम दिए, उसके बाद क्वालिफाइड, उसके बाद रनिंग, हर चीज से लड़ते रहते लास्ट में मेडिकल, उसके बाद क्वालिफाइड। ट्रेनिंग में भी बहुत परेशानियां झेले लोग, मार खाए लोग, हर चीज मतलब देख के हम लोग डर जाते थे कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन सर लोग वही सिखाए कि तुम लोग सीख के जाओगे, साल भर का तपस्या है, सीख के जाओगे। दो तीन महीना बहुत प्रॉब्लम हुआ, गड्ढा था फांगना, आग से उलझ के करना, फायरिंग करना, बम फेंकना, हर परिस्थितियों से लड़ा और लास्ट में हम लोग उस लायक हो गए कि अब किसी चीज से डर ही नहीं लगता, अब तो बंदूक कुछ लगता ही नहीं है, अब तो लगता है हाँ हम लोग दुश्मनों को, क्योंकि एक गोली हम लोग को सिखाया गया था, एक गोली दुश्मन की गोली, क्योंकि सरकार की गोली बर्बाद नहीं जाने देंगे। तब तो इतना अच्छे सीख गए हैं लोग कि हाँ अब तो उम्मीद है कि एक गोली दुश्मन की गोली होगी। आपको कैसा लगता है वर्दी पहनकर? बहुत गर्व महसूस होता है हमें वर्दी पहन के, और अब इसी जरिए हमको अपने देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चियों के लिए क्या संदेश देंगे आप? बच्चियों से यही संदेश देंगे कि वो आगे की तैयारी करें और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में SSC देश की सेवा में जाए और देश की सेवा करें। ये जो वर्दी जो आप पहनी है, इसका जज्बा कैसे आपको लगा कि हमें SSB का जवान बनना चाहिए, सेना में जाना चाहिए? हमने पहली बार प्रिंसिपल में हम लोग को अयोध्या ले गया था, तो वहीं पे ये वर्दी देखा मैम लोगों ने पहना था, तभी से मेरा सपना शुरू हो गया। हम सोच रहे थे कि ये वर्दी कभी ना कभी हमको पहनना है। पहली बार में हमने ये फॉर्म डाला तो एक नंबर से छट गया, फिर दूसरी बार 2 साल के बाद ये फॉर्म आया तो हमने फॉर्म डाला, सब अच्छे नंबर से क्वालिफाई किए, रनिंग किए, मेडिकल सब कुछ अच्छे से हो गया, अब ज्वाइनिंग भी हो गई, अच्छे से ट्रेनिंग भी कम्प्लीट किया हम लोगों ने साल भर का, अब पोस्टिंग बिहार जयनगर में हुआ है। इस विद्यालय में जहाँ इन बच्चियों को सम्मान दिया जा रहा है, यहाँ की प्रधानाचार्य हैं श्रीमती शशिकला सिंह जी, इनसे भी हम बात करेंगे, कैसा लग रहा है चूंकि उनकी कॉलेज की बच्चियां हैं और आज उसी कॉलेज में सम्मानित किया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको आज आपकी बच्चियां आपके विद्यालय में हैं और आप उन्हें सम्मानित कर रही हैं? बड़ी गर्व की फीलिंग हो रही है असलम भाई, मेरी बच्चियों ने सीमा सुरक्षा बल का चयन किया और देश की सेवा करने का जो जज्बा इनके अंदर था इनको उन्होंने चुना, यह देख करके मुझे बहुत गर्व हो रहा है और मेरी बच्चियां यहाँ आई हैं, मैं उन्हें खुद सैल्यूट करती हूँ देश के कार्य को करने के लिए और इनको मैं आशीर्वाद देती हूँ कि देश की सेवा करते करते ये अपने माँ भारती की आन मान मान की रक्षा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपना नाम प्राप्त करें। ये जो आज का कार्यक्रम हुआ है सम्मान समारोह का, उम्मीद सोशल फाउंडेशन की तरफ से हुआ है, उम्मीद से यहाँ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे कि कैसे आपके दिमाग में आया कि बच्चियों को सम्मानित किया जाए। असलम भाई, दिमाग में इसलिए दिमाग में तो नहीं था, लेकिन मेरे घर के सामने एक बच्ची है जिसका नाम है राधा जायसवाल, उसको देखा, उसने जब आर्मी ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि ऐसी बच्चियाँ अगर और भी कहीं निकली हुई हैं
तो क्यों ना उनको हम इस सिसवानगर से सम्मानित करें, क्योंकि ये बच्चियां एक तरह से इस सिसवानगर की गौरव हैं। इससे पहले शायद कभी कोई बच्ची निकली थी तो किसी को पता नहीं था कि ऐसे देश सेवा के लिए नौकरियां तो सभी करते हैं, जॉब तो सभी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नौकरी वो जॉब जो देश की सेवा भी हो और हम अपने माँ बाप की भी एक आर्थिक रूप से मजबूत बने, वो इन्होंने किया है। जब मुझे पता चला कि ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए हैं तो मैंने प्रिंसिपल मैडम से एक प्रोग्राम की बात की, उन्होंने हम लोगों को परमिशन भी दिया कि यहाँ पे करिए, और फिर इन लोगों को सम्मान के लिए एक कार्यक्रम किया गया ताकि और भी बच्चियाँ, इस स्कूल में बहुत ऐसे बच्चियाँ हैं जो किसी न किसी बेड़ियों में बंधी हैं, आगे नहीं बढ़ पाती, इनको देखें कैसे बढ़ी हैं, इनके मम्मी पापा भी नहीं चाहते थे, इनको भी बहुत परेशानियाँ हुई हैं, ताकि मोटिवेशन उनको मिले और सिसवानगर के लोगों को गौरव इन्होंने बढ़ाया है, उस गौरव को सम्मान करना जरूरी था। इस वजह से हमारे दिल और दिमाग में आया तो हमने इनको सम्मानित करने का ये कार्यक्रम रखा, जिसमें प्रिंसिपल मैडम ने हमारा बहुत सहयोग किया है। और इस कार्यक्रम के तहत हम ऐसे बच्चों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने बताया कि हमारे उम्मीद सोशल फाउंडेशन का एक मुख्य उद्देश्य है ऐसे बच्चियों बच्चों को आगे पढ़ाना जिनकी शिक्षा पढ़ाई किसी वजह से रुक गई है, हम उनको आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ें और देश के मुख्य धारा में जुड़े और देश की सेवा में आगे बढ़ते रहे और लगे रहे। और इस तरह से इन बच्चियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, ये लोग एक काम किया, इस सिसवानगर के वासियों को गौरव बढ़ाया, तो मैं भी इनकी गौरव जरूर बढ़ाऊंगा, यही सोच के यह प्रोग्राम रखा।